वो नीतीश कुमार हैं, वो आप लोग को कदापि उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे कि वो आजीवन स्वार्थी व्यक्ति हैं। और तेजस्वी जी को आगाह करते हैं कि सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके चाचा ही पलटू हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी द्वारा जीतन राम मांझी को लेकर दिए गए बयान पर हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव राजेश पांडे ने किया है पलटवार, साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया स्वार्थी। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में कि क्या कुछ कहा है राजेश पांडे ने। अभी जदयू के नेताओं को लग रहा है कि हम क्या बोल दें मांझी जी के खिलाफ कि नीतीश कुमार जी हमारे हमको चहेता अपना बना लें। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो नीतीश कुमार हैं, वो आप लोग को कदापि उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो आजीवन स्वार्थी व्यक्ति हैं। सबसे अगर धरती का सबसे कोई स्वार्थी व्यक्ति है तो उस स्वार्थी व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। इसलिए आप लोग इस मुगालते में मत रहिए कि आपको उत्तराधिकारी बना देगा। और ख़ास करके हम कहना चाहते हैं विजय बाबू आपसे, और आप तो सारे एपिसोड में थे, आप तो सब जान रहे थे, आप तो सच बोलिए कम से कम, आप अच्छे व्यक्ति हैं। और अशोक बाबू, आप जितना बोल रहे हैं अगला नज़र आप ही पर है नीतीश कुमार जी का। आप सावधान हो जाइए नीतीश कुमार जी, क्योंकि अगला बलि चढ़ाने की तैयारी आपकी है। हम लोग जानते हैं कि अभी वो आपके पूजा पर और टीका पर उनकी नजर गई है, उसी पर कमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगला जो नजर है, अगला अगर कोई दलित का बच्चा उनके नीतीश कुमार के स्वार्थ के बलि बेदी पर चढ़ेगा तो वो नाम अशोक चौधरी का है। इसलिए आप सावधान हो जाइए, आपको हम लोग सावधान कर रहे हैं। और कुछ नहीं है, वो चाहते हैं सिर्फ कि नीतीश कुमार जी का यही मंशा है कि हम तेजस्वी यादव जी के वोट बैंक को दिखा करके यहाँ 23 तारीख को मीटिंग करके हम अपना चेहरा सबके सामने बड़ा कर लें, और बड़ा दिखाने के बाद जो हो तेजस्वी जी का क्या होगा उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारा कुछ आगे हुआ तो हुआ, नहीं तो हम ये साबित कर दें कि अभी हम मुख्यमंत्री के लायक हैं और भविष्य में हम ही मुख्यमंत्री रहेंगे। इसीलिए हम राजद के साथियों को और तेजस्वी जी को आगाह करते हैं कि सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके चाचा ही पलटू हैं। तो आपने देखा किस तरह से राजेश पांडे ने अशोक चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जदयू के कुछ नेता इन दिनों लगातार जीतनराम मांझी पर निशाना साध रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ऐसा करने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे खुश हो जाएंगे। हालांकि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार बेहद ही स्वार्थी व्यक्ति हैं। साथ ही बता दें कि बीते दिन अशोक चौधरी ने जीतनराम मांझी को लेकर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जीतनराम मांझी का मुख्यमंत्री बनने वाला हैसियत था नहीं, वो तो नीतीश कुमार थे जिन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया ताकि वो आज खुद को पूर्व उप मुख्यमंत्री कह पाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को भी सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। और ऐसे ही तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।